हाँ जी तो सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी बधाई है क्योंकि भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम जीत की रथ पे सवार है बैक टू बैक मुकाबले जीत रही है तो आप सभी को ढेर सारी बधाई है बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन्स और आखिरी मुकाबला आखिरी लीग मुकाबला इस वर्ल्ड कप का इंडिया और नीदरलैंड के बीच में खेला जाने वाला 45, है मैच नंबर फोर्टी इंडिया नीदरलैंड भिड़ने वाले हैं एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुर में मुकाबला है रनों की सुनामी हमें देखने को मिलेगी बारह नवंबर दो बजे से मुकाबला खेला जाएगा तो कौन सी टीम जीत सकती है भारतीय टीम अपने बैक बेंच पर बैठे हुए प्लेयर्स को भी इस मैच में मौका दे सकती है तो ऐसे में क्या भारतीय टीम जीतेगी या फिर नीदरलैंड की टीम आखिरी मुकाबला इस वर्ल्ड कप का आखिरी मुकाबला जीतकर सबको सरप्राइज करेगी ढूंढेंगे इसी सवाल का जवाब आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ साथ ही साथ ड्रीम इलेवन की टीम में किसको लेना है किसको नहीं लेना है किस तरीके से ड्रीम इलेवन की टीम नजर आने वाली ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो को मत लाइक करो चैनल को मत सब्सक्राइब करो वीडियो को पूरा देख लेना ठीक ठीक है और हां आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस ठीक है पिच रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं तो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 27 मुकाबले हुए दो सौ के आसपास का एवरेज स्कोर है ग्यारह मैच पहले बैटिंग करने वाली और पंद्रह मैच यहां पर बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है इन जो है सत्ताईस मैचों में दस बार थ्री प्लस का टोटल बना है चार बार ढाई सौ नौ बार दो सौ और चार बार जो है दो सौ दो सौ से नीचे का स्कोर भी बना है आखिरी मैच छब्बीस अक्टूबर को खेला गया था न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच एक

एक सौ छप्पन बना चेस हो गया श्रीलंका जीती नौ विकेट पेसर्स को एक विकेट स्पिनर्स को मिले यहाँ चौदह विकेट पेसर्स को पांच विकेट स्पिनर्स को ले यहाँ भी साढ़े तीन सौ रन बने थे दूसरी पारी में तीन सौ बन गए थे यानी कि ये देखो ये दो मैच ऐसे हुए हैं इस वर्ल्ड कप के जिसमें खूब सारे रन इस विकेट पर हमें देखने को मिले हैं और इस मैच में भी रन देखने को मिल सकते हैं पाटा विकेट हमें देखने को मिल सकता है यहाँ की विकेट बैटिंग पैराडाइज मानी जाती है फ्लैट सरफेस साथ ही साथ छोटी बाउंड्री है तो रन तो भैया इस मैच में हमें खूब सारे देखने को मिलने वाले हैं सेंचुरी पे सेंचुरी लगने वाली है सत्ताईस मुकाबलों में दो सौ विकेट पेसर्स ने और 112 विकेट स्पिनर्स लिए मुझे लगता है कि इस मैच में 400 के आसपास का टोटल देखने को मिल सकता है अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो हेड टू हेड दो मैच हुए हैं दोनों ही इंडिया जीती है और ये पॉइंट टेबल की बात की जाए तो पहले नंबर पे है इंडिया की टीम आठ में आठ जीते हैं नीदरलैंड दसवें पे है आठ में सिर्फ दो जीते हैं लेकिन प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है अच्छा फाइट बैक किया है और दो जो जीत इन्होंने दर्ज की एक में बांग्लादेश और एक में साउथ अफ्रीका जैसी टीम को इन्होंने हराया इंडिया से शुरुआत करते हैं तो इंडिया टीम कुछ इस तरीके से नजर आ सकती है हो सकता है एक सीनेरियो यह भी बनता है कि भारतीय टीम अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखे और अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ इस मुकाबले में आए अगर जो है चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे में जो है गिल को आराम दे ईशान किशन को मौका दिया जा सकता है या फिर के राहुल को आराम देके या फिर सूर्य कुमार को आराम देके जो है मौका दिया जा सकता है और रविचंद्रन अश्विन को मौका दिया जा सकता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं सरदुल ठाकुर को मौका दिया है कुछ भी हो सकता है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने मोमेंटम को जो है कंटिन्यू रखने के लिए भारतीय टीम अपने प्रीवियस कॉम्बिनेशन के साथ आ सकती है फॉर्म की बात की जाए तो बहुत ही शानदार फॉर्म है भारतीय टीम का रोहित शर्मा सुमन गिल विराट कोहली ये तीनों बहुत ही प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं मतलब रोहित शर्मा तो ऐसा लग रहा है कि इनका सिर्फ एक ही काम है आओ

तार में नजर आ रहे हैं चार मैच खेले सोलह विकेट उखाड़ दिए दो बार पांच विकेट ले चुके हैं कुलदीप अच्छी गेंदबाजी करें बुमराह अच्छा साथ निभा सिराज भी अच्छी गेंदबाजी करें तो भारत का पेस अटैक बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ इस साल बहुत ही शानदार जा रहा है और हो सकता है कि भारतीय टीम में साल कप भी जो है कहीं और ना जाने न, कहीं और जाने नहीं देगी अपने ही देश में रख लेगी देखते हैं क्या होता है कुछ भी हो सकता है और भी टीमें अच्छे फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया है साउथ अफ्रीका है न्यूजीलैंड है और इनका जो है सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से है तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है बैक टू बैक मुकाबले भारतीय टीम जीत करा रही है और यहाँ नीदरलैंड जो है सिर्फ एक मैच जीती है चार आ रही है पिछले पाँच मुकाबले

और भी ज्यादा खतरनाक हो रही है भारतीय टीम की आइए इनकी तरफ से प्लेयर पिक कर लेते हैं तो भैया पहली पिक रोहित शर्मा इस मैच में इनके हिट्स देखने को मिल सकते हैं छोटी बाउंड्री है जम कर रन बनाएंगे 105 का एवरेज इस वेन्यू पर चार पारियों में चार सौ सैंतालीस रन बना चुके हैं सेंचुरी आ सकती है इनके बल्ले से कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा और सेंचुरी भी इस मैच में ये बना सकते हैं सेंचुरी नहीं भी बनाते हैं तो 90, 80, 90 तो जाएंगे ही जाएंगे 40, 87, 46, फोर्टी बहुत शानदार फॉर्म में है दूसरे पिक जो है सुमन गिल ये इनके साथ मिलकर अच्छी शुरुआत देंगे हर मैच में अच्छी शुरुआत दे रहे हैं ये देखिए दो पारियाँ बहुत ही शानदार आई थी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में यहाँ तब्दील नहीं किया बट यहाँ किया बानवे बनाया यहाँ तिरपन बनाया और इस मैदान पर इनका भी बल्ला चल सकता है सुबह आगाज कर सकते हैं तीसरे पिक जो है विराट कोहली ओबियसली एक बनाया अट्ठासी बनाया पंचानवे एक और इस मैच में जो है सचिन का रिकॉर्ड भी टूट सकता है पचासवा अर्धशतक शतकों का अर्धशतक यहाँ पे विराट के बल्ले से लग सकता है इस मैच में मौका भी है दस्तूर भी है और यहाँ पे लगना ही नाइन्टी परसेंट चांस है कि विराट का पचासवां शतक इस मैच में लग जाएगा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी इनको देखा जा सकता है उसके बाद सरेश सैयर को उठा सकते हो इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो इनको उठा लेना यहाँ सतहत्तर किया है बयासी किया बहुत शानदार फॉर्म में यहाँ तैंतीस किया और अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो इन्हें भी ले लेना है मैच इस मैच में रन कर सकते हैं और इस वेन्यू पर एक मैच खेले चौवालीस रन बनाए विराट के साथ सीन ये चिन्ना स्वामी है यहां पर बहुत सारी प्रैक्टिस करी है इन्होंने RCB के प्लेयर हैं 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 कैप्टन भी है, बहुत सालों से खेल रहे और मतलब इस मैदान को अच्छे से जानते हैं पहचानते हैं इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आप केल के लिए भी देख सकते हो आ, केल एज ए विकेट कीपर आप ट्राई कर सकते हो ऐसे विकेट कीपर तो लेना ही है आप नीदरलैंड का विकेट कीपर लो से अच्छा है खेल को ले लो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो नहीं करती है तो फिर उनके विकेट कीपर एंड कैप्टन की तरफ आप देख सकते हो सूर्य कुमार यादव कुछ खास फॉर्म में नहीं है एक में उनचास जरूर किया था बट इनके साथ जो है ओडीआई में आप जी के लिए देख सकते हो एसएल में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं रविंद्र जडेजा हमारी अगली पिक उनतीस रन पाँच विकेट पैंतीस रन एक विकेट बैटिंग भी अच्छी करें बॉलिंग भी अच्छी करें या उनचालीस बनाए या एक विकेट लिया बहुत ही शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी करें इस वेन्यू पर दो पारियों में पाँच विकेट ले चुके हैं तो इस मैच में रविंद्र जडेजा का भी जादू हमें देखने को मिल सकता है ओबियसली मोहम्मद समी भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए रिकमेंडेड है और फॉर्म देखो तो पाँच चार पाँच दो और पिछली पाँच छः पारियाँ देखी तो एक इधर भी पांच विकेट देखने को मिलता ये मतलब अभी पिछली सात आठ पारियां देखी जाए तो तीन बार पांच विकेट ही ले चुके हैं इस वर्ल्ड कप में चार पारियों में ही सोलह विकेट ले चुके हैं शानदार गेंदबाजी करें इस वेन्यू पर तीन पारियों में सात विकेट है इस मैच में अच्छा कर सकते हैं कुलदीप यादव भी जो है हमारी टॉप फैंसी पिक की सूची में आते हैं दो 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 एक इस तरीके से जो है ये विकेट ले रहे हैं शानदार गेंदबाजी करें और ओबियसली जसप्रीत बुमराह को भी उठा लेना ये भी अच्छा कर सकते हैं आप एक काम कर सकते हो इंडिया से आप आठ नौ प्लेयर उठा सकते हो दो तीन प्लेयर जो है नीदरलैंड से उठा सकते हो मैं बता देता हूं आपको जिसको मन उठा लेना ठीक है और ये भी अच्छी गेंदबाजी करें दो दो तीन विकेट हर मैच में ले रहे हैं सिराज की तरफ देखना चाहते हो तो इनको भी उठा सकते हो ये भी अच्छे फॉर्म में दो दो एक एक विकेट जो है हर मैच में ले रहे हैं नीदरलैंड की बात किया तो नीदरलैंड जो है राइजिंग टीम है मतलब सबसे तेजी से राइज कर रही है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है ये दो मैच भले ही जीते हैं लेकिन फाड़ के रख दिया है सबकी मतलब अच्छी बल्लेबाजी अच्छी गेंदबाजी ऑलराउंडर से भरी हुई टीम है ऊपर से नीचे तक एक दो को छोड़ दिया जाए तो सब के सब बल्लेबाजी करते हैं सब के सब गेंदबाजी करते हैं तो ये टीम एक टाइम पे बहुत ख़तरनाक होने वाली है और साउथ अफ्रीका को हरा कर इन्होंने इसका प्रदर्शन भी कर दिया ये अपने आप को साबित भी किया और बैटिंग बॉलिंग सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं हालाँकि पिछले पाँच मुकाबलों में सिर्फ एक ही जीते हैं आखिरी कुछ मुकाबले देखे जाए तो यहाँ तीन बना इंग्लैंड ने बनाया था और एक सौ उनहत्तर पर ऑल आउट हो गया साठ रन से हारे यहाँ सात विकेट से हारे सॉरी सात विकेट से नीदरलैंड जीती अफगानिस्तान के खिलाफ ठीक है यहाँ पे नीदरलैंड जीती और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे अफगानिस्तान जीती थी सात विकेट से यहाँ नीदरलैंड जीती थी बांग्लादेश जैसी टीम को हराया एक सौ सो, बनाने के साथ साथ एक पे ऑल आउट कर दिया बांग्लादेश जैसी टीम को तो बॉलिंग तो है इनके पास और यहाँ पर इनकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई ऑस्ट्रेलिया ने तीन बना दिया और बैटिंग भी एक्सपोज हो गई तीन रन से हारे तो बीच बीच में जो है एक्सपोज होते हुए नजर आए लेकिन अच्छा प्रदर्शन भी इन्होंने करके दिखाया और मुझे यकीन है कि इस मैच में भी अच्छा कर सकते हैं प्लेयर पिक की बात की जाए तो मैक्स और द आउट को ट्राई करना है तो कर सकते हो कुछ खास फॉर्म में नहीं है बैरिसी की बात की जाए तो थर्टी सेवन फोर्टी वन का स्कोर किया देखना है तो देख सकते हो कॉलिन एकर को जो है ट्राई कर सकते हो बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर राइट हैंड बैट्समैन ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं उनतीस रन एक विकेट पंद्रह रन एक विकेट उनतीस रन कुछ खास फॉर्म में नहीं है और एगल की बात की जाए तो तैंतीस अंठावन पैंतीस सत्तर कंसिस्टेंसी के साथ रन करें तो ये हमारी तरफ से पहली पिक है टॉप एंड सी पिक की सूची में ये अगर बेट आते हैं राइट एंड बैटर उसके बाद जब बेस्ट लीड हमारी दूसरी पिक टॉप पिक की सूची में आते हैं तीन विकेट दो विकेट दो विकेट लगातार बैटिंग भी कर सकते हैं अच्छी बल्लेबाजी करते हैं बड़ी बड़ी पारिया स्टार्टिंग में खेल के इन्होंने दिखाई थी मीडियम पेसर है ठीक है लेफ्ट मीडियम पेसर स्कॉट एडवर्ड जो कैप्टन इन विकेट कीपर है अगर ये पहले बैटिंग करते हैं नीदरलैंड वाले तो विकेट कीपर इनकी तरफ से उठा सकते हो अदरवाइज के राहुल के साथ जा सकते हो तो थर्टी एट सिक्सटी एट इन्होंने अच्छे रनस करके दिए हैं कमाल के खिलाड़ी हैं और निडामू को भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो बट मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं वैन विक दो विकेट एक विकेट एक विकेट चार विकेट उनसठ रन यहाँ बनाया बैटिंग भी अच्छी करते हैं बॉलिंग भी अच्छी करते हैं तो ये हमारी तरफ

कैप्टन विराट कोहली वाइस कैप्टन रोहित शर्मा शरीर सैयर सुमन गिल रविंद्र जडेजा वैन विक वैस मोहम्मद समी और यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ये एडवर्ड की जगह मैं यहाँ पर एक गेंदबाज भारतीय टीम की तरफ से ऐड करना चाहूँगा कुलदीप यादव ठीक है कुलदीप यादव या फिर मोहम्मद सिराज मैं तो कहूँगा सिराज को उठा लो इस वेन्यू पर बहुत सारे मैचेज इन्होंने खेले हैं अच्छा कर सकते हैं तो इनकी जगह एक इंडिया की तरफ से गेंदबाज उठा लो नौ दो का रेसियो रख सकते हो आप इसकी टीम में एडवर्ड है रोहित शर्मा विराट कोहली एगरबैट गिल रविंद्र जडेजा वैनविक कैप्टन जो है बैस डिलीड है वाइस कैप्टन मोहम्मद समी जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव सेफ टीम में भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मोहम्मद समी को ट्राई कर सकते हो बाकी फाइनल अपडेटेड टीम तो हम टेलीग्राम पर आपको दे ही देंगे आप यू इस यूज़र आई को सर्च करते हुए हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर असली प्रडिक्शन आता है फाइनल प्रडिक्शन आता है फाइनल टीम दी जाती है और भी ढेर सारे प्रडिक्शन आते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है फ्री है हमारा टेलीग्राम चैनल प्रीमियम टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है आपके लिए ठीक है ज्वाइन कर लेना आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे हमारी क्वेश्चन की के, जिसका जवाब दे आप सौ रुपए का कैसे नाम सीधे सीधे जीत सकते हो कि हम पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है तो इंडियन टीम इस मैच में कितनी बाउंड्रीज लगाएंगी चौके और छक्के मिला के आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इंडियन टीम इस मैच में कितनी बाउंड्रीज लगाएंगी इस मुकाबले में 85 परसेंट इंडिया के और सिर्फ 15 परसेंट जो है नीदरलैंड के जीतने के चांसेस है बाकी क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को भी हराया था तो ये चीज भी दिमाग में रखनी है कुछ भी हो सकता है बाकी आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेलाइकन को प्रेस कर लें धन्यवाद